हे गाइस, देखिए टाटा की एक जो कंपनी है टाटा ग्रुप की ट्रेंड्स, वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है। बहुत मतलब बोल सकते हैं कि हाँ कंपनी भी एक्चुअल में भी काफ़ी अच्छी है और कंपनी में जो तेज़ी दिखाई जा रही है वो भी बहुत अच्छा है। देख लीजिए ट्रेंड, ठीक है, आज भी 6 से 7% भागता हुआ नज़र आया, आज भी काफ़ी अच्छा तेज़ी देखने को मिला है। सर पिछले 1 महीने में इसने 23% तक का रिटर्न दिया है, पिछले 1 सालों में इसने 186% तक का रिटर्न निकाल के दिया है और पिछले 5 सालों में 1000% से भी ज़्यादा रिटर्न निकाल के दिया है, 1052%। बहुत बहुत अमेजिंग रिटर्न निकाल के दिया है सर, ठीक है। लेकिन अगर एक चीज़ अगर आप नोटिस करोगे, ध्यान से देखिएगा, 5 सालों में इस कंपनी ने 1000% से भी ज़्यादा रिटर्न निकाल के दिखाया है। लॉजिक समझते हैं यहाँ पर। यहाँ पर अगर हम देखते हैं, यहाँ पर बताया जा रहा 15 फरवरी से लेकर, ठीक है, 2019-20 बताया जा रहा और 2023 के बीच में अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो सर एक्चुअल में इसने 4 सालों में कितना रिटर्न निकाल के दिया, केवल 261%। कितना? 261% तक का ही इसने रिटर्न निकाल के दिया है। तो सर क्या इसने केवल 1 सालों के अंदर, 2023 और 2024, तो क्या सर इसने केवल 1 सालों के अंदर इसने जो जो मान लेते हैं कि 700% तक का रिटर्न निकाल के दिखाया कंपनी ने? नहीं, देखिए इसने 1 साल के अंदर कितना प्रॉफिट निकाल के दिखाया है वो देखिए। 1 साल के अंदर इसने जो है कितना 224% तक का रिटर्न निकाल के दिखाया है। मान लेते हैं 200% यहाँ पर और यहाँ पर मान लेते हैं कितना, तो 260%, ठीक है। तो कितना हो जाता है सर, लमसम 500% तक का रिटर्न देखने को मिला। अगर यहाँ पर प्लस कर देते हैं इसको और यहाँ पर जो भी 220 है जो भी देखने को मिला, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 500%, लेकिन सर यहाँ पर तो दिख रहा है 1000%। तो सर ये रिटर्न उनको मिला है, उन भाई साहब को मिला है जो लंबे समय से चुपचाप बैठे रहते हैं, मार्केट गिर रहा हो तो भी नहीं डरते, मार्केट भाग रहा हो तो भी टेंशन नहीं लेते हैं, उनको मिला है सर ये 1000% तक का प्रॉफिट। बात समझ में आई? तो लंबे समय में आपको भी ऐसा रिटर्न मिल सकता है लेकिन चुपचाप बैठना रहता है सर। कभी कभी तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो सर यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि बहुत पहले से अगर हम देखते हैं 2006 और 2016, 10 सालों में कंपनी ने केवल 200% तक का ही रिटर्न निकाल के दिया था। कितना? 10 सालों में कंपनी ने कितना रिटर्न निकाल के दिया था सर, केवल 200% तक का रिटर्न निकाल के दिया था। आज लोग देख रहे हैं कि ये स्टॉक भाग रहा है, मतलब दैट इज़ कॉल्ड लालच। मैं यही बोलना चाहता हूँ, भागते हुए स्टॉक के पीछे मत भागो, ऐसा नहीं कि बुराई है। लेकिन सर देख लीजिए यहाँ पर 2006 से आपको बताया जा रहा है और 2016 केवल 200%। कहने का मतलब है कि हर वो कंपनी अच्छी होती है जो नहीं चलती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सर नहीं चल रही है तो ख़राब हो, टाइम लगेगा लेकिन चलेगा सर। इसमें भी अगर आप देखोगे तो बड़े बड़े गिरावट आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हो 70% तक का गिरावट, कोई छोटा मोटा गिरावट तो नहीं होता सर, तबाही होती है। फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सर यहाँ पर भी मोर देन 70% तक का गिरावट, ये गिरावट तो नहीं है सर, तबाही है कि नहीं? लेकिन आज ये स्टॉक इतना बड़ा है, इतना बड़ा रिटर्न निकाल के दिखाया है सर। तो इसीलिए मैं आप लोगों को इतना बोलना चाहूँगा, कंपनी कोई भी ख़राब और अच्छा नहीं होता। जब स्टॉक चल जाता है तो सभी लोग बोलते हैं अच्छा है, स्टॉक गिर जाता है तो सभी लोग बोलते हैं ख़राब है, और फिर यही गिरा हुआ स्टॉक वापस आ जाता है तो फिर समझ रहे हो ना। तो मैं इतना ही बोलूँगा, खरीदने बेचने से पहले प्लीज़ थोड़ा सा रिसर्च करें, थोड़ी सी नॉलेज ले, समझे कि कंपनी काम क्या कर रही है और फ्यूचर बिजनेस आस्पेक्ट क्या है, उसके बाद आप कुछ कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। इसमें देखिए संजीव भसीन जी का क्या मानना है, संजीव भसीन जी यहाँ पर बोल रहे हैं ट्रेंड्स, बोलना चाहते हैं कि उसको ऐड कीजिए, ठीक है, कहाँ पर? ऑन डिप्स में, हर गिरावट में इसको खरीदने की कोशिश कीजिए। ये एक ऐसा डार्क हॉर्स आपको देखने को मिल रहा है विच इज़ ए मस्ट हैव इन पोर्टफोलियो, ये ज़रूर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, ये एक ऐसा स्टॉक है, संजीव भसीन जी का मानना है। लेकिन संजीव भसीन जी ये नहीं बोल रहे हैं कि आप लगभग जो है 1 दिन के लिए खरीदो, 2 दिन के लिए खरीदो या केवल 1 साल के लिए खरीदो, ये बोल रहे हैं कि ये आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। पोर्टफोलियो बनाया जाता है सर 5 साल, 10 साल, 20 साल, जितना लंबा होता है उसके लिए। तो जो बताया जा रहा है उसके हिसाब से आप देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और जो भी होता है सर कंपनियाँ लंबे समय में ही अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिखाती हैं। आज मैं आपको इसी तरीके से एक छोटी कंपनी बताने जा रहा हूँ जो इसी तरीके से लेकिन इससे भी काफ़ी तेज़ भाग रहा है, और वो तीन चार चीज़ों का मतलब कॉम्बिनेशन आप समझ सकते हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कॉम्बिनेशन है और डिफेंस का कॉम्बिनेशन है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कॉम्बिनेशन, ये तीन चार चीज़ों के लिए कंपनी काम करती है। ये देख लीजिए, ये आज के डेट में 10% सीधा सर्किट, पिछले 5 दिनों में सर, 1 मिनट, पिछले 5 दिनों में 30% एकदम गजब रिटर्न, 1 महीने में, तो 1 महीने में सर इसने 51% तक का रिटर्न, 6 महीने में, 6 महीने में भी अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया है। यहाँ पर देखिए 169% तक का रिटर्न, 1 सालों में
तो सर गजब का ही रिटर्न निकाल के दिखा दिया होगा इसने तो, ठीक है 168%, लेकिन 5 सालों में तो देख के आप चौंक जाओगे। देख लीजिएगा आप लोग, थोड़ा इंटरनेट स्लो है, पिछले 5 सालों में सर कंपनी ने 20,000% का रिटर्न निकाल के दिखाया, 20,000% का रिटर्न, 20,000% का रिटर्न। बीच बीच में देखोगे तो सर बड़ी बड़ी इसमें गिरावट भी देखने को मिली है, देख लीजिए 40-50% तक का गिरावट, बाकी तो ये सारी गिरावट आप देख ही पा रहे हो सर यहाँ पर, है कि नहीं है। 37% यहाँ पर भी देख लीजिए, तो ये भी देख लीजिए 30, तो 30% 50% तक का गिरावट एकदम आम बात होता है सर, ट्रेंड्स में भी देखने को मिला ना, स्टॉक मार्केट में इतनी गिरावट एकदम नॉर्मल है। अगर आपको गिरावट नहीं चाहिए तो मैं आपको बोलूँगा सर फिर तो यहाँ सर्वाइव करना थोड़ा टेंशन वाली बात है। अच्छा रिलायंस में भी गिरावट होता है, LIC में भी गिरावट होता है, बजाज में भी गिरावट होता है, मतलब मैरिको में भी गिरावट होता है, ब्रिटानिया में भी गिरावट होता है, TCS में भी गिरावट होता है, सब में गिरावट होता है, लेकिन लंबे समय में वो अच्छा करके दिखाते हैं सर। देख लिया आप लोगों ने इतना बड़ा रिटर्न के लिए, अगर आप 1 साल वेट करते हो तो कंपनी कितना रिटर्न निकाल के देती है सर यहाँ पर, केवल 168%, लेकिन अगर आप 5-10 साल रुकते हो तो सर कंपनी आपको 1000% का रिटर्न निकाल के दिखाती है। साफ साफ कंपनी बोलना चाहती है सर, जितना लंबा रुकोगे उतना ज़्यादा फायदे में रहोगे। और जिस तरीके से ट्रेंड का क्वार्टर रिजल्ट आया उस तरीके से सर इस कंपनी का भी क्वार्टर रिजल्ट आया है, तो ये कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट भी उतना ही तगड़ा है जितना उसका है सर। देख लीजिए दिसंबर का आपको देखने को मिला, दिसंबर का देखने को मिला सेल्स देखिए 15 करोड़ से 62 करोड़ चला गया सर, ठीक है। मार्जिन यहाँ पर आपको देखने को मिला 18% से थोड़ा गिरा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो कंपनी ने जहाँ पर सर 0.73 करोड़ रुपये कमाए थे, यहाँ पर 4.42 करोड़ रुपये कमाया सर, मतलब 1 करोड़ रुपये भी कंपनी ने नहीं कमाया था और यहाँ पर 4.4 करोड़ रुपये कंपनी ने कमाए। और सबसे बड़ी खुशी वाली बात तो ये है कि सर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर 11 का आया, अगर ये 20 का आ जाता तो सर स्टॉक इतना भागता कि मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता। ये मार्जिन कंपनी थोड़ा गिर गया इस वजह से, लेकिन हाँ अगले क्वार्टर उम्मीद है कि मार्च में जो क्वार्टर रिजल्ट आएगा कंपनी का और बेहतरीन आ सकता है। हाँ और ये कंपनी अगर आप देखोगे तो सर मतलब बहुत सारी चीज़ों के लिए काम करता है जिसके लिए आप तलाश कर रहे हो सर यहाँ पर। मैन्युफैक्चर क्या क्या करता है, डिफेंस के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए सर, ये मेन चीज़ों के लिए काम करता है सर कंपनी यहाँ पर। तो यहाँ देख लीजिए डिफेंस के लिए तो कंपनी है ही, आर्मी वगैरह ये सारी चीज़ों के लिए, यहाँ पर देख सकते हो बताया जा रहा है ई मोटर, लगभग कंपनी मोटर बनाती है। अच्छा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में क्या मेन होता है सर, मोटर और बैटरी, है कि नहीं है। देखो अगर आपका मोटर अच्छा है तो आपकी गाड़ी चलेगी, बैटरी अच्छा है तो ज़्यादा देर तक आपकी गाड़ी चलेगी। बाकी ज़रूरी नहीं है सर कि मतलब जो है कि और सारे फंक्शन होना ज़रूरी है सर। आपके पास मान लीजिए कि आपका कार मान लीजिए बहुत अच्छा है लेकिन मोटर चल ही नहीं रहा, फिर फ़ायदा है कि नहीं सर। बैटरी बार बार डाउन हो जा रहा है, फिर फ़ायदा। तो उस सारी चीज़ों के लिए अगर आप देखोगे तो ये कंपनी मतलब बताया जा रहा है इस तरीके से कि डी लीन ई बाइक्स आपको बताया जा रहा है, ई रिक्स आपको बताया जा रहा है, बैटरी एंड मोटर्स आपको बताया जा रहा है, सोलर, तो ये सारी चीज़ों में वाटर ट्रीटमेंट वगैरह यूनिट्स वगैरह में काम करती कंपनी। तो ये सारे वो चीज़ें हैं सर जिन मतलब इंपॉर्टेंस है आजकल के डेट में अगर आप देखोगे तो, ठीक है। IT इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है, IT एडवाइजरी में काम करती है, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। ऑटोमेशन यहाँ पर काम करती है, गवर्नमेंट्स के लिए भी कंपनी काम करती है, डिजिटल बिजनेस के लिए कंपनी काम करती है, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। तो ये कंपनी सर धीरे धीरे रिसर्च सेंटर के लिए भी कंपनी काम करती है यहाँ पर, कंपनी के पास तगड़े तगड़े आपको क्लाइंट देखने को मिल जाएंगे। L&T सबसे बड़ी कंपनी है सर इंडिया का, ठीक है। L&T डिफेंस अब हो गई भाई, इंडियन आर्मी देख सकते हो, इंडियन एयरफोर्स देख सकते हो, इंडियन नेवी देख सकते हो, डिफेंस मतलब डिफेंस के लिए तो लाइन में लगे हुए आप देख सकते हो, टाटा कम्युनिकेशन देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो बड़े बड़े कंपनी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे सर। अगर छोटा भी कॉन्ट्रैक्ट मिला कंपनी को तो बहुत बड़े लेवल में स्टॉक मतलब भागते हुए नज़र आ सकता है सर, ऐसा होता है। अपना सामान बेच के देख सकते हो कंपनी यहाँ पर बताया जा रहा है, रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड 49%, सेल्स ऑफ सर्विस तो 9% बताया जा रहा है यहाँ पर, जो लगभग जो है जॉब वर्क चेंज 37% यहाँ पर, और थोड़े बहुत इधर उधर से आ जाता है 5%। तो मैं यही बोलूँगा अगर आपको बिजनेस समझ में आ रहा है तो लंबे समय में फ़ायदा मिलेगा, ऐसा नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा ट्रेंड्स के लिए तो सर ट्रेंड्स ऐसा नहीं है कि आज ही उसने स्टोर खोल दिया, उसको स्टोर खोलने में टाइम लगता हो, है कि नहीं भाई। ऐसा नहीं हर दिन मतलब जो है कि स्टार्टिंग से ही, धीरे धीरे बिजनेस को ग्रो करने में टाइम लगता है। तो यही मालूम देखिए डिफेंस हो गया, रिक्शा के लिए, साइकिल के लिए, टैक्सी के लिए, वो टेम्पू जो होता है उसके लिए कंपनी काम करती है, IT के लिए कंपनी काम करती है। तो ये सारी चीज़ों में कंपनी डील करती है। मैं बोलूँगा इसके बारे में और जानकारी जितना हो सके उतना इकट्ठा करने की कोशिश कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। ये सारे टाइप के जो रिक्शा वगैरह अगर आप देखोगे ना बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है,
बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है सर। बाकी तो ऑटो वगैरह देखोगे तो वो चल ही रहा है, लेकिन ये सारे जो रिक्शा ना, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। पतले पतले गलियों में चल जाता है, पतले पतले रास्तों में चला जाता है, और जो ऑटो में जितने लोग बैठ के जाते हैं सर, उसी तरीके से यहाँ पर भी आप चीज़ों को कैरी कर सकते हैं। इस तरीके से चीज़ों डेवलपमेंट देखने को मिले। छोटी कंपनियाँ बैटरी के लिए भी कंपनी काम करती है, ठीक है। तो मैं आपको बोलूँगा देखिए, बिज़नेस को समझिए, बाकी पसंद आया तो ठीक है, नहीं पसंद आया तो फिर मैं आपको बोलूँगा फिर इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।